क्रूड ऑयल ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। कमोडिटी ट्रेडिंग के सीरीज में ये हमारा थर्ड वीडियो है दोस्तों। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि अगर आपको क्रूड ऑयल के जरिए कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक बार और बता देते हैं कि कमोडिटी मार्केट आखिर है क्या। कमोडिटी मार्केट में आप कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, लाइव स्टॉक, क्रूड ऑयल, इनमें डील कर सकते हैं। लेकिन ये डील करने का तरीका स्टॉक्स में पैसा लगाने से बिल्कुल अलग है। कमोडिटीज में डील करने के लिए आपको इंडिया का मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX यूज करना पड़ेगा। MCX दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। गोल्ड, कॉपर, नेचुरल गैस में सेकंड और क्रूड ऑयल के थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज है MCX। 2003 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू होने के बाद से इंडिया का कमोडिटी मार्केट 120 टाइम्स बड़ा हुआ है। तो इस कमोडिटी मार्केट में कैसे आप क्रूड ऑयल में डील कर सकते हैं वो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। एंजल ब्रोकिंग शाउट आउट। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में बहुत काम पता है, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि अगर काम समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है लीगल तरीके से तो शेयर मार्केट उनका ओनली ऑप्शन है। ऐसे नए इन्वेस्टर्स को मैं ये बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा होता है जिसमें आपके शेयर्स रहते हैं और इसके जरिए आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको घर बैठे अभी के अभी फ्री ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है / उस पे क्लिक कीजिए और आज ही आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नो वन फुल सर्विस ब्रोकर है। यहाँ ब्रोकरेज भी सबसे कम है 20 इंडियन रुपीस पर ऑर्डर और यहाँ आपको सलून का एक्सपर्टीज एडवाइस के तौर पे मिलेगा जो आपके ट्रेडिंग को सेफ बनाएगा। टू FIR घर बैठ के आपके पैसों को काम पे लगा दीजिए और एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कीजिए। क्रूड ऑयल ट्रेडिंग। कोई भी कमोडिटी ट्रेडिंग जैसे क्रूड ऑयल ट्रेडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव टू टाइप्स के हैं। 1. कमोडिटी ट्रेडिंग फॉर रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग। अगर आप ऑयल प्रोड्यूसर हो और आपका ऑयल प्राइस $100/बैरल है आज के दिन में तो ट्रेडिंग के टाइम पे भी वो $100/बैरल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपका प्रोडक्ट लॉस में ना बाय? इसके लिए आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो सेलर के साथ जिसमें आप अग्री करते हो कि डिलीवरी के टाइम पे आपका प्रोडक्ट $100/बैरल पे ही बिकेगा। इससे आप लॉस को मिनिमाइज करते हो। इसको रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग के नाम से जाना जाता है। 2. कमोडिटी ट्रेडिंग फॉर स्पेकुलेशन। अगर आप क्रूड ऑयल के बायर हो और आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेकर बुलिश हो, जिसका मतलब है कि आपको लगता है कि क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आप अगर क्रूड ऑयल का 100 बैरल का लॉट खरीद रहे हो जिसका प्राइस है 2,50,000 इंडियन रुपीस 2,500/बैरल, तो आप 5% मार्जिन पे करके ये ऑर्डर डाल सकते हैं जिसका खर्चा आपको आएगा 12,500 इंडियन रुपीस के आसपास। अगर आपका स्पेकुलेशन सही साबित हुआ और क्रूड ऑयल का प्राइस 2,500/बैरल से 2,550/बैरल पहुंचा, तो आपको 5,050/100 INR का फायदा हुआ, जबकि आपने सिर्फ 12,500 इंडियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था। मतलब आपको 20 टाइम्स का लीवरेज मिला है इस डील में, वो भी सिर्फ 12,500 इंडियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन अगर कहीं ग्लोबल मार्केट्स में क्रूड का प्राइस फॉल किया तो क्रूड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आप इस सिचुएशन में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
जैसे अगर आपने में फर्स्ट को 4200 इंडियन रुपीस पर बैरल के रेट मैंने 10000 बैरल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया और मई 31 तक ऑयल का प्राइस पर बैरल 4100 इंडियन रुपीस हो गया और आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 4200 पर बैरल के रेट में हाई सेल किया तो आपको 100 पर बैरल के रेट से 10,000 by 100 इक्वल्स 1,000,000 INR का मुनाफा हो सकता है। क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स इन एम्स्क्स। हर दिन एम्स्क्स में 3000 करोड़ से ज्यादा क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का ट्रेडिंग होता है। दो तरीके का क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट है एम्स्क्स में। क्रूड ऑयल मेन प्राइस कोट पर बैरल लॉट साइज 100 बैरल्स एक्सपायरी 19th और 20th ऑफ एवरी मंथ। क्रूड ऑयल मिनी प्राइस कोट पर बैरल लॉट साइज 10 बैरल्स एक्सपायरी 19th और 20th ऑफ एवरी मंथ। ट्रेडर्स मिनी कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसका लॉट साइज छोटा है और इसमें मार्जिन मनी भी काम ही लगता है। क्रूड ऑयल मार्केट साइजेस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल मार्केट का साइज पूरे मेटल मार्केट के साइज से भी बड़ा है। सेफ्टी मेजर्स। क्रूड ऑयल या किसी भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये मार्केट सबसे वॉलेटाइल है। इसमें कभी भी कोई भी न्यूज की वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट हो सकते हैं। इसको छोड़ के भी और कुछ मैटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1. क्रूड ऑयल मार्केट में कोई और तरीके के ऑयल जैसे सोया ऑयल का ट्रेडिंग नहीं होता है, यहाँ बेस क्रूड ऑयल का ही ट्रेडिंग होता है। 2. क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग मेनली स्पेक्युलेटिव होता है जो हमने पहले सेक्शन में मेंशन किया है। ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज जैसे BPCL, ONGC एटसेट्रा डिलीवरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। 3. क्रूड ऑयल मार्केट में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि दुनिया में क्रूड ऑयल मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल है। 4. क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैसे डिमांड सप्लाई से प्राइसेस फ्लक्चुएट होता है, जियोपॉलिटिकल न्यूज कैसे इसको अफेक्ट करती है। 5. आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पैसा लगाने के लिए, वरना आप भारी लॉस का सामना कर सकते हैं। 6. आपका ब्रोकर अगर एम्स्क्स या इंडेक्स में अफिलिएटेड है तो आपके ब्रोकर के जरिए डायरेक्ट क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेके FIR धीरे धीरे इस मार्केट घुसना चाहिए, वरना लॉस काफी ज्यादा हो उनके चांसेस रहते हैं।